सो हेलो, इस नए वीडियो में स्वागत है। ओके, एक और वीडियो होगा रिगार्डिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से सुपर हाइड्राइड रिएजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और सेलेक्ट्राइड रिएजेंट क्या होते हैं। ओके, तो नाम से पता चल रहा है सुपर हाइड्राइड है क्या एक्चुअली। तो सुपर हाइड्राइड मीन्स बहुत ही अच्छा गुड न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली अभी तक हमने देखा है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड। ओके, बिकॉज इसमें आपका हाइड्राइड एच माइनस की तरह मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी अच्छा अगर कोई हाइड्राइड रिएजेंट, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसको सुपर हाइड्राइड बोलते हैं, कमर्शियल नेम है। ओके, और ये होते हैं जनरली आपके ट्राई अल्काइन बोरेन, मतलब R3, तीन अल्काइल ग्रुप, एक बोरॉन, ओके, और एक एच नेगेटिव चार्ज, और इस पर आपका लिथियम होगा। ओके, तो ट्राई अल्काइन बोरेन्स को जनरली सुपर हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो इनको सुपर हाइड्राइड्स बोलने का रीज़न क्या है, जनरली आप देखिए BH4 को कंपेयर करें, ये हमारा BH4 है बोरॉन हाइड्राइड, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो बोरॉन के ऊपर है। अगर आप तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करें अल्काइल ग्रुप से तो आपको मिलेगा ट्राई अल्काइन बोरेन। तो और सिंस आपके जो अल्काइन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई दिखाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं बोरॉन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली अगर एक आर ग्रुप बढ़ाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगी, दो दो ग्रुप लगाएंगे एक और ग्रुप लगाएंगे और बढ़ेगी, तीन लगाएंगे तो। तो ट्राई अल्काइल बोरेन इस तरह कंपाउंड है जिसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एच माइनस अच्छे से डोनेट कर पाता है। ओके, इसके लिए इसको सुपर हाइड्राइड या फिर इसको सुपर न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। ओके, ये टर्म भी कभी कभी आता है, सुपर न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ओके, सुपर सुपर न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, सुपर न्यूक्लियोफाइल। सो ये कुछ कुछ केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे लास्ट में देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में अलेन या फिर बोरेन कुछ केस में होते। लेकिन ये लिथियम अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो आपका सुपर हाइड्राइड जो ट्राई अल्काइन बोरेन है, सुपर हाइड्राइड, देन फॉलोड बाय योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे थे, देन योर लिथियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों रिएजेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपको देखना है मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें देख सकते हैं। तो इनसे भी ज़्यादा ये अच्छा हाइड्राइड डोनर होता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है ट्राईथाइल बोरेन को जब रिएक्ट किया जाता है लिथियम हाइड्राइड या फिर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, आपको मिलता है THF एज ए सॉल्वेंट लेके, तो आपको मिलता है लिथियम ट्राई अल्काइल बोरॉन हाइड्राइड या फिर ट्राई इथाइल बोरॉन हाइड्राइड। तो इसका जो कमर्शियल नेम है सुपर हाइड्राइड है। ओके, तो कौन से सॉल्वेंट को जनरली कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये एल्डिहाइड को करता है, ये कीटोन को करता है, ये ईस्टर को करता है। ओके, और ये अपने अलाइल अल्काइल हैलाइड्स को करता है, RBR, टोसाइलेट्स को करता है, ROTS, टोसाइलेट ग्रुप को करता है, इनको हाइलोजन में हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देगा, इनको अल्कोहल में कर देगा रिड्यूस। ओके, इपॉक्साइड को भी करता है, इपॉक्साइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूशन साइड से अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूशन साइड से अटैक करेगा। ओके, तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी कि क्या क्या किस में अटैक करता है, जनरली मोस्ट ऑफ करता है, लेकिन स्पेशली अगर आप देखें तो ये हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है, OTS को रिप्लेस कर सकता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, उनसे भी अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है आपका सुपर हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये भी डिस्प्लेस करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक उसकी ज़्यादा है, तो इससे अच्छा ये डिस्प्लेस करता है। ओके, आपका फिर ईस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, अनहाइड्राइड है। ओके, इनको भी करता है, लेकिन हर फंक्शनल ग्रुप को एक इक्वली नहीं ट्रीट करता, किसी को फास्ट करता है। मोस्ट ऑफ जो आपके ऑक्सीजन वाले ग्रुप से, लाइक आपके जो मैंने अभी मीन्स मेंशन किया, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड, देन योर लैक्टोल है, ब्रोमाइड है, लैक्टोन भी है, ब्रोमाइड भी है, नाइट्रो ग्रुप है, इनको अच्छे से फास्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ केस में इसका रिडक्शन स्लो होता है, रिडक्शन करेगा लेकिन थोड़ा स्लो करता है, लाइक इपॉक्साइड है, ओके, इपॉक्साइड है, अमाइड है, इनको ये रिड्यूस करेगा लेकिन थोड़ा इनका रिडक्शन स्लो होगा। ओके, तो इस केस में अभी हम देखते हैं कि किस किस को ज़्यादा जनरली करता है, अगर आपको प्रिफरेंस दिया जाए। मान लेते हैं अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप है, इसमें बस एक बात याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड्स को
ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू अराइल हैलाइड्स। मीन्स ये अल्काइल हैलाइड को रिमूव करता है, मीन्स अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में हैलाइड पार्ट को निकाल के हाइड्रोजन दे देगा, एज़ कम्पेयर टू अगर अराइल हैलाइड है तो। ओके मीन्स आपके एक एक मॉलिक्यूल में अराइल हैलाइड भी है और अल्काइल हैलाइड भी है, तो इस हैलाइड को वो ज़्यादा रिड्यूस करेगा। ओके तो ये सिलेक्टिविटी इसमें है और इसमें नहीं, तो मोस्ट ऑफ ये बहुत सारी कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, इसके लिए इसको सुपर हाइड्राइड बोला है। मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिस कंपाउंड को रिड्यूस कुछ कुछ केस में बहुत स्लो करेगा, इनको भी अच्छे से रिड्यूस कर सकता है। ओके तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें किस किस को रिड्यूस करेगा। और ऑब्वियसली मीन्स इतना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से थोड़ा स्लाइटली बल्कि है, बिकॉज हाइड्रोजन रिप्लेस करे हमने इथाइल ग्रुप डाले तो बल्किनेस है, लेकिन बहुत बल्किनेस नहीं है इतना। ओके तो रिड्यूस कर सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेनोन, इसमें किसको कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ओके सिंपल रिडक्शन है, अभी स्टीरो केमिस्ट्री आई नहीं, स्टीरो केमिस्ट्री आऊँ जब हम डिस्कस करेंगे तब हम दूसरे रिएजेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप देखिए, नॉरबोरेन है, नॉरबोरेन के ऊपर ओटीएस है, तो यहाँ पे जो एच आएगा वो एंडो प्रोडक्ट बनेगा। ओके ओटीएस को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करता है, इसके लिए ये बात दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सेलेक्टिवली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो इपॉक्साइड देखिए, तो इपॉक्साइड को ओपनिंग है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से करेगा। ओके तो आपका ओएच, आपका ओएच यहाँ पे होगा, आपका एच यहाँ पे होगा, तो ये ओपनिंग यहाँ से करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा बिकॉज एक ही हाइड्रोजन है। ओके सो इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड में देखिए आपका अराइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, तो सेलेक्टिवली ये इसको रिड्यूस कर देगा, इस चीज़ को ये ऐसे ही रह देगा। ओके इस केस में देखते हैं किसको रिड्यूस करेगा, हमारे पास अमाइड है, हमारे पास कीटो ग्रुप है। ओके अमाइड है और कीटो ग्रुप है, तो इस केस में ये सुपर हाइड्राइड नहीं बोल सकते बिकॉज इसमें लिथियम यूज़ नहीं किया। जो कमर्शियली सुपर हाइड्राइड जो नाम दिया गया है वो लिथियम वाले सॉल्ट को दिया है, ना कि पोटेशियम वाले को। ओके लिथियम बोरोहाइड्राइड्स को किया, तो इसमें क्या होगा, सिलेक्टिवली इसको अल्कोहल को, सॉरी कीटो को रिड्यूस कर देगा। ओके और ये पूरे ग्रुप को ऐसे ही रह देगा, OOMOM, इथाइल है और ऊपर ये वाला ग्रुप है, OH हमारा यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने जैसा इस रिएजेंट के बारे में ज़्यादा है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इस केस में दो पॉइंट आपको याद रखने की, अल्काइल हैलाइड और टोसाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, मीन टोसाइल को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करता है, और अल्काइल हैलाइड अगर अराइल हैलाइड है तो उसमें अल्काइल को, और एल्डिहाइड्स को जनरली आपके ऑक्सीजन वाले मीन्स जो ग्रुप्स है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू। इसमें भी देखिए अमाइड था तो अमाइड को रिड्यूस नहीं इतना किया। ओके एज़ कम्पेयर टू अगर आप मीन्स इक्वलेंस की बात करते हो, वन इक्वलेंट रिएजेंट है तो आपको इसको रिड्यूस कर देगा ये। ओके अगर एक्सेस में आप ले रहे हो रिएजेंट तो इसको भी ये रिड्यूस कर सकता है। ओके तो यहाँ पे इक्वलेंस की भी बात आती है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्टेड होते क्या। जनरली अगर हमने देखा अभी सुपर हाइड्राइड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता ही है। ओके किसके साथ थोड़ा फास्टर रिएक्शन होता है, किसके साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन आपको स्टीरियोकेमिकली मीन्स एक ही साइड से एक ही, जनरली अगर देखे सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम बोरोहाइड्राइड में जब साइक्लोहेक्सेन पे अटैक करते हैं उसमें एक्सेल के इक्विटोरियल अटैक होता है, तो आपको दो टाइप के डाइस्टीरियोन मिलते हैं। आपको सेलेक्टिविटी बढ़ानी है एक आइसोमर की, तो उसमें आप सिंपल ये वाला सुपर हाइड्राइड यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए थोड़े उसका मॉडिफाइड रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है। तो जो रिएजेंट अच्छे से डायस्टीरियो सिलेक्टिव मीन्स डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी देगा, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी मीन्स ओके एक डायस्टीरियोमर डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी बढ़ेगा जो रिएजेंट अच्छे से, मतलब दो आइसोमर बन रहे हैं आपको एक मेजर और माइनर, तो मेजर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए आपको, नियरली 99%, 98%, तो ऐसा रिएजेंट को हम सिलेक्टेड बोलते हैं। ओके तो इसमें सुपर हाइड्राइड को मीन्स थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, क्या होगा इसमें अगर आप ऐसे रिएजेंट को सुपर हाइड्राइड को और बल्कियर बना, जनरली इथाइल ग्रुप है, इथाइल के जगह सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मीन्स ये वाला अगर कंपाउंड लगा दे इसमें, ओके ये वाला कंपाउंड लगा दे, तो उसकी वजह से क्या होगा इसका बल्किनेस और बढ़ेगा, ये इथाइल से सेकेंडरी ब्यूटाइल और ज़्यादा बल्किनेस है, तो इनको बोला जाता है एल सेलेक्ट्राइड और के सेलेक्ट्राइड। मतलब एल मतलब वहाँ पे लिथियम होगा, के मतलब वहाँ पे पोटेशियम होगा। सॉरी यस दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ ओके यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज, लिथियम
या पोटेशियम होगा, लिथियम होगा तो एल सिलेक्टाइड बोलते हैं इनको, और पोटेशियम होगा तो के सिलेक्टाइड। सिमिलरली एक और सिलेक्टाइड है इस तरह से, आप देख सकते हैं अभी इसका बल्किनेस मीन्स मॉलिक्यूल अभी बल्कि हो गया यहाँ पे, पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल था इससे भी ज़्यादा बल्किनेस हो गया, थोड़ा रिजिड सिस्टम हो गया। तो अभी ये जब रिएजेंट रिडक्शन करेगा तो ये सेलेक्टिवली एक ही साइड से करेगा, ओके, ना कि बोथ साइड से करेगा। तो इनको भी एल सिलेक्ट्राइड के सिलेक्ट्राइड बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो लिथियम सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राई बोरॉन हाइड्राइड, ऐसे भी आपको लिख के मिल सकता है, डायरेक्टली एल सिलेक्ट्राइड भी लिख के मिल सकता है एग्जाम में अगर आपको रिएजेंट याद है। ओके, ये भी देते हैं, इसको भी सिलेक्ट्राइड बोलते हैं, ये भी सिलेक्ट्राइड। ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मीन्स एग्जामिनर के ऊपर है, ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो दिस इज एल सिलेक्ट्राइड, नहीं तो एल सिलेक्ट्राइड लिख के भी दे सकते हैं, नहीं तो ये दे सकते, तीन ऑप्शन है। ओके, अगर ये आया मतलब सुपर हाइड्राइड। ओके, तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है सिलेक्ट्राइड्स को, आपके हमारे पास ये वाला ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राइल्काइल बोरेन है, इसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो आइसोमर है, नॉट आइसोमर, मॉडिफाइड रिएजेंट है जिसमें तीनों एच निकाल के उसमें हम अल्कोक्सी एल्यूमिनेट इनको बोलते हैं, तो इनको आप इसके साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस BH नेगेटिव चार्ज लिथियम प्लस। ओके, तो आपका ये वाला एक सेलेक्ट्राइड बना, ये कौन सा, एल सेलेक्ट्राइड। के सेलेक्ट्राइड बनाना है मतलब पोटेशियम के साथ, तो यू हैव टू यूज़ पोटेशियम हाइड्राइड। तो इसमें क्या बनेगा आपका जो ग्रुप है वो थ्राइस BH नेगेटिव के प्लस, डिपेंडिंग अपॉन यू कौन से आप फंक्शनल ग्रुप के साथ ट्रीट। अभी ये हाला आपका रिएजेंट बल्कि हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसका अटैक होगा वो एक पर्टिकुलर साइड से होगा, मीन्स एक्सियल अटैक हो सकता है, इक्विटोरियल अटैक हो सकता है, बिहाइंड द प्लेन, अबव द प्लेन, जिसकी वजह से आपके अलग अलग आइसोमर बनते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया जो इसके आइसोमर्स बनते हैं, मीन्स एक आइसोमर जो डायस्टेरोमर से एक आइसोमर ज़्यादा बनेगा, वो नियरली 90% के ऊपर आपको मिल चाहिए, तो उस केस में आप ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ नहीं करते, सेलेक्टिवली ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है कीटोन के या फिर अल्डिहाइड को रिड्यूस करने में। ऑब्वियसली इन दोनों का अल्कोहल मिलेगा रिड्यूस करने के बाद, तो अल्कोहल अबाउ द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकी स्टरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो इनकी डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज एक ही साइड से अटैक करेंगे, जिसकी वजह से एक ही टाइप का आपका आइसोमर ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो अभी कुछ हम, हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट है, अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या फिर अल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये अनसेचुरेशन को मीन्स डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, इट विल रिड्यूस डबल बॉन्ड। ओके, तो ये चीज़, ये पॉइंट इस केस में है, अगर आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ना कि मीन्स ये वाले कंपाउंड को। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है इसमें। तो इसमें अगर आप जनरली, अगर आपको मीन्स साइक्लोहेक्सेन आए, तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी सेलेक्ट्राइड के रिडक्शन होते हैं इन केस ऑफ मीन्स जो पाया गया है कि साइक्लोहेक्सेन के साथ आप रिडक्शन करते हो, जो भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन होगा, तो वो जनरली एक्सियल अल्कोहल देते हैं। एक्सियल अल्कोहल मतलब आपका OH ऊपर होगा यहाँ पे और हाइड्रोजन नीचे होगा, मतलब जो भी एच माइनस आएगा रिडक्शन होगा वो इक्विटोरियल पोजिशन से होगा, ये मोस्ट ऑफ केस में पाया गया है। तो मीन्स ये एक्सियल अप्रोच देता है, एक्सियल अल्कोहल देता है, लेकिन जो हाइड्राइड का रिडक्शन होगा वो इस केस में होगा, सिंस कि इसका रीज़न जो बताया गया है कि जो सिंस आपका जो इक्विटोरियल पोजिशन होती है थोड़ी स्लाइटली गिव मोर स्पेस टू अटैक फ्रॉम दिस एक्सियल इक्विटोरियल पोजिशन रैदर देन एक्सियल पोजिशन, तो इक्विटोरियल पोजिशन थोड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पेस देती है, सिंस आपका जो रिएजेंट है बल्कि है, और ऑब्वियसली जब आप एक्सियल अटैक करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी जो इंटरेक्शन होता है 1,3-dioxal इंटरेक्शन इस केस में होता है, तो इक्विटोरियल अप्रोच करोगे तो उस केस में थोड़ा इंटरेक्शन कम होगा, जिसकी वजह से आपका एच माइनस यहाँ पे आएगा और आपका OH अबव द प्लेन बनेगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी देखिए, इसमें इस केस में जो अल्कोहल बनेगा वो भी ऊपर बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल है, ये भी एक एक्सियल बनेगा। सिमिलरली इस केस में देखते हैं, आप जो आपका OH है डबल बॉन्ड में बनेगा। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो इस केस में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड। अभी क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड को जनरली प्रोड्यूस मीन्स रिडक्शन क्यों करता है, सिंस ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है,
और ऑब्वियसली अच्छा मी सुपर न्यूक्लियोफाइल में, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो जहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेजोनेंस की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, इसके लिए रिडक्शन यहाँ पे इन दोनों का होगा इस कार्बन पोजिशन पे। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल टाइप ग्रुप है, ये अबाउ द प्लेन है, तो आपका जो एच माइनस आ गया वो बिलो द प्लेन जाएगा और आपका ओ एच अल्कोहल अबाउ द प्लेन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं इस केस में भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अमाइड टाइप है, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, सॉरी, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है इस केस में। के सिलेक्टेड है यहाँ पे, मैंने कैसे डिपेंड, एल सिलेक्टेड भी पूछ सकते हैं, के सिलेक्टेड भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओ एच होगा आपका मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन आपका इस केस में अबव द प्लेन से आएगा, जो एल सिलेक्टेड से ओ एच बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो जनरली इसका एल सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड का ज़्यादा यूज़ स्पेसिफिकली इन मीन्स जो रिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज रिंग सिस्टम की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री ज़्यादा रोल प्ले इंपॉर्टेंट करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अबव द प्लेन अटैक होता है कि बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे दोनों की ज्योमेट्री देखनी पड़ती है, रिएजेंट की और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसकी भी। इस केस में देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये ओ एच अबव द प्लेन है तो इसका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा और एच यहाँ पे ऊपर आएगा। ओके यहाँ पे देखते हैं इस कंपाउंड में, यहाँ पे जो मीन्स जो ईथर की लिंकेज है, साइक्लिक ईथर टाइप बना है, ये बिलो द प्लेन है। ओके तो इस केस में जो हाइड्रोजन आएगा ये अबव द प्लेन से आएगा और ओ एच आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इस केस में जो सिलेक्टिविटी है वो कीटोन्स के लिए है। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा। CO2, CH2, PH, एस्टर बॉन्ड कैसी है, डबल बॉन्ड को ऐसे ही रह जाएगा और ये OH को करेगा, OH को भी अबव द प्लेन से करेगा। ओके नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, इसमें आपका आपको अल्कोहल बनाना, बिकॉज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है नहीं, सिंपल आपको अल्कोहल बनाना है। इसमें R ग्रुप होगा, और आपका ओ एच यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड में भी माइग्रेशन है, ओ एच है, आपका ओ एच यहाँ पे होगा। ओके वो भी बैक साइड में। लास्ट कंपाउंड, लास्ट रिएजेंट देखते हैं एल सिलेक्ट के सिलेक्ट्राइड के बारे में। ओके तो के सिलेक्ट्राइड में क्या होगा, लास्ट रिएजेंट ये यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा और ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो हमने डिस्कस किए के सिलेक्टेड एल सिलेक्टेड के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है, उस टाइम में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है, बस आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स किसको रिड्यूस करता है वो देखना। जनरली ज़्यादा ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने में ज़्यादा यूज़ होता है एक्सटेंसिवली, के सिलेक्टेड एल सिलेक्टेड मीन्स स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ। और जो सुपर हाइड्राइड है वो जनरली हाइड्रो हाइड्रोकार्बन हैलाइड्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, टोसाइलेट्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ओके तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।